नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको स्वेटर यहाँ तक बता दिया है। मैंने पार्ट टू में मैंने आपको ये बताई, मैंने ये गला कैसे बनाना है बताया, और बगल कैसे निकालनी है वो मैंने बताया। ये देखिए, ये गले का कितना अच्छा शेप निकल रखा है। देखिए, अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगी कि आपने कैसे बनाना है करके। अब मैं आपको ये पीछे का हिस्सा बताऊंगी। ये देखिए, पीछे अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से यहाँ तक कैसे बनाना है करके वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए, हम उल्टी साइड से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से, यहीं से हम बनाएंगे वी शेप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाएंगे क्रीम कलर से। ये देखिए, क्रीम कलर मैंने ले लिए है। अब जो हमने ये पिन पिन लगा रखी है जहाँ पे, ये देखिए, हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने आधा इधर छोड़ रखा था बगल के लिए, अब हम आधा पैटर्न यहाँ छोड़ लेंगे बगल के लिए। तो आधा पैटर्न हम यहाँ छोड़ लेंगे बगल के। देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवे में हम मैं उल्टी साइड से बना रही हूँ। ये देखिए, ये उल्टी साइड है, तो यहाँ से हम बनाएंगे वी शेप। मैंने आधा पैटर्न ने इधर भी पीछे वाले पार्ट में भी छोड़ दिया। ये मैं स्वेटर के पीछे का पार्ट बना रही हूँ। तो इस तरीके से लेंगे हम 1 2 3। देखिए, हम 3 चैन ले लेंगे। शुरुआत में हमने 3 चैन ही लेना है यहाँ पे। 3 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से वी शेप बनाएंगे। हमने डबल क्रोशे करना है यहाँ पे, फिर 1 2 चैन लेनी है, फिर से डबल क्रोशे हम इसके अंदर कर लेंगे इस तरीके से। फिर हमने लेनी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद हम वी शेप यहाँ पे बनाएंगे फिर। तो इस तरीके से हम वी शेप बनाते हुए चलते हैं। 1 2, फिर डबल क्रोशे इसी के अंदर, हमने जो ये सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे भी सेप बना रखा है। ये इस तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम। ये देखिए, मैंने बना लिया है यहाँ से यहाँ तक। टोटल ये 10 V-shape 10 V-shape बना रखे हैं ये मैंने। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, और 1 2 3 4 5, पांचवे में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम 1 चैन लेंगे। देखिए, यहाँ भी मैंने आधा पैटर्न ने छोड़ दिया है, बीच में ही मैंने जोड़ लिया है। जैसे सेम इधर साइड में हमने आधा पैटर्न ने छोड़ रखा था, ये देखिए, यहाँ आधा छूटा है, और यहाँ भी इधर आधा, ये देखिए, सेम हमने छोड़ना है बगल के लिए। और हम यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे ही कर लेंगे, और हमने बनाने हैं सीधे यहाँ से यहाँ 9 डबल क्रोशे। हमने इसके अंदर वी शेप के अंदर हमने टोटल 9 डबल क्रोशे हम बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम बना लेते हैं 9। ये यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब 1 2 3 4 5, पांचवे में हम इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम 9 9 सभी इन ये सभी वी शेप के अंदर हम बना लेंगे 9 डबल क्रोशे। इस तरीके से बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, मैंने सभी में ये एक एक बना लिए हैं ये। अब यहाँ लास्ट में पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ पे हम जहाँ सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने धागा ज्वाइंट करना है, ये वाला दूसरा कलर, तो हम इस कलर को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। फिर हम 1 चैन ले लेंगे इस तरीके से। 1 चैन लेने के बाद हमने फिर पलटना है। अब उल्टे साइड में हमने फिर से वी शेप बनाना है। तो हम पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा बनेगा आधा पैटर्न बनेगा यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 पैटर्न बने हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे शुरुआत में हमारा आधा पैटर्न बनेगा। इस तरीके से हम लेते हैं चैन, वन ले ली, वन टू थ्री और ये फोर, फोर चैन हम ले लेंगे शुरुआत में, और हमने यहीं पे ही डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव चैन लेनी है, और फिर हमने वी शेप यहाँ पे बनाना है इस तरीके से। वन टू चैन लेनी है और फिर से डबल क्रोशे करना है इस तरीके से। हम वी शेप बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे हम वी शेप। देखिए ये मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने वी शेप बना लिया है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में हमने वी शेप बनाया, वैसे ही हमने लास्ट में भी यहाँ पे वी शेप बनाना है। तो मैंने पांच चैन ले लिया, और जो यहाँ पे सिंगल क्रोशे है यहाँ पे हम बना लेंगे वी शेप इस तरीके से। वन टू चैन लेंगे, फिर हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। फिर हमने लेनी है वन चैन, और हमने इसको इस तरीके से इधर की साइड में ऐसे पलटना है। फिर हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, और वन टू थ्री चैन लेनी है। थ्री चैन लेने के बाद हमने इसके अंदर हमने आधा पैटर्न बनाना है, तो हम यहाँ पर फोर डबल क्रोशे कर लेंगे इसमें। वन टू थ्री और फोर, एक हमारी चैन की हो जाती है, तो टोटल फाइव हो गए यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर वन वन टू थ्री फोर फाइव, पांचवे वाले में फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम इसमें नाइन डबल क्रोशे करेंगे। पूरा पैटर्न बनेगा यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये लास्ट वाले में फोर पैटर्न बनेगा। फिर हमने सेम उसी तरीके से करना है वाइट वाले में, जैसे वाइट में हमारे ये पूरे पैटर्न आए हैं यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक। और स्काई ब्लू में सेम, जैसे ही स्काई ब्लू में यहाँ आधा पैटर्न और यहाँ भी आधा, और पूरे पूरे पैटर्न बनेंगे। इस तरीके से हमने बनाते रहना है जितनी लंबाई इसकी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये मैंने बारह बना रखे हैं ट्वेल्व। तो वैसे ही हमने जब तक यहाँ से यहाँ तक ट्वेल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक हमने इसी तरीके से सेम बनाते रहना है। इसमें ना ही कहीं पर फंदा बढ़ेगा ना ही घटेगा, सेम वैसे ही रहेगा। वाइट में वाइट क्रीम कलर जैसे बनाया हमने, सेम क्रीम कलर वैसे ही बनाएंगे, और स्काई ब्लू में जितने पैटर्न आएंगे स्काई ब्लू में सेम वही आएगा। तो चलिए मैं आपको ये बनाने के बाद मिलती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ये वाला पार्ट भी बना लिया है। देखिए यहाँ पे भी यहाँ 12 बनाए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व मैंने यहाँ बनाए थे, तो ट्वेल्व पीछे की पीछे वाले पार्ट में भी बना लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व यहाँ और ट्वेल्व यहाँ, हमने तीनों साइड में बराबर रखने हैं ट्वेल्व ट्वेल्व। अब मैं आपको ये जॉइंट करना बताती हूँ। ये भी मैं क्रोशिया से ही जॉइंट करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जॉइंट करना है। देखिए हमने इधर की तरफ से लेना है, देखिए पीछे की साइड से हमने ये ढाई पैटर्न हमने ढाई यहाँ रख रखा है, तो हम यहाँ भी ढाई लेंगे। ये ढाई यहाँ लेंगे। हमने दो पूरे पूरे ले रखे हैं, वन टू पूरे और एक आधा ले रखा है, तो हम बराबर यहाँ से भी लेंगे। तो हम देखिए बीच में वाइट कलर का सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे, और इसको जॉइंट भी कर लेंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है करके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले
इधर की साइड में हम यहाँ पे बना लेंगे आधा पैटर्न बनाएंगे। हाँ, यहाँ से हम वी शेप बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे वी शेप। तो मैं क्रीम कलर का धागा लगाऊंगी यहाँ पे। देखिए, पीछे वाले पार्ट में मैंने यहाँ पीछे की तरफ में किया है, ये जॉइंट भी हो जाएगा और यहाँ पे वाइट कलर से एक और पैटर्न भी बन जाएगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 चैन ले लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। और हमने यहाँ पे करना है फिर इसी फंदे में सिंगल क्रोशे के अंदर डबल क्रोशे करना है और ये धागा हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से वी शेप बन गया है। अब हम 1, 2, 3, 4, 5 चैन लेंगे और यहाँ पे भी हम वी शेप बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम वी शेप बना लेंगे। 1, 2, 3 वी शेप बन जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, मैंने वी शेप बना लिए हैं, 3 वी शेप यहाँ पे बना लिए हैं। हम 1, 2, 3 चैन लेंगे और ये कोने वाले इसमें यहाँ पे चैन में जोड़ लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से मैं सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हमने 1 चैन लेनी है। अब हमने इधर की साइड में इस तरफ हमने इस तरीके से हमने पलटना है। और हमने ये देखिए उल्टी साइड से हम करेंगे। ये देखिए, यहाँ भी उल्टा और यहाँ भी। ये आगे का पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। देखिए, हम 1 सबसे पहले यहाँ सिंगल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे करेंगे और 1, 2, 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हमने ये हिस्सा यहाँ पे, ये जो सिंगल क्रोशे किया है यहाँ पर, हम इसको जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, जोड़ लेंगे हम इस तरीके से। जोड़ने के बाद हमने करना है, अब जो हमने यहाँ पे वी शेप बनाया है यहाँ पे हम करेंगे इसमें। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे इसमें। देखिए, यहाँ पे 3 चैन नहीं लेनी है। यहाँ पे हमने, ये देखिए, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया है। अब हम यहाँ से यहाँ इसको जोड़ लेंगे। इसको यहाँ वाले पहले सिंगल क्रोशे को हम इस तरीके से यहाँ जोड़ लेते हैं इसमें। फिर हमने करना है इसमें वी शेप के अंदर हमने यहाँ पे करने हैं 4 डबल क्रोशे करेंगे हम। 1, 2, 3, 4। ये देखिए, वी शेप के अंदर हमने 4 डबल क्रोशे किए। 4 डबल क्रोशे करने के बाद हमने यहाँ पे जो ये यहाँ, सॉरी, 4 नहीं, एक और हम करेंगे 5, 5 डबल क्रोशे करने के बाद हम जो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशे है आधे पैटर्न के बाद जो यहाँ सिंगल क्रोशे है यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए, हमने ये सिंगल क्रोशे के अंदर लेना है और इसको हमने इधर ले लेना है। इस तरीके से हम ले लेंगे। ये देखिए, फिर हमने 1 चैन लेनी है और हमने फिर से डबल क्रोशे के अंदर फिर से हमने 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशे हमने फिर से यहाँ पे बना दिए हैं इस तरीके से। देखिए, 4 हमने यहाँ पे पहले 5 बनाए, फिर यहाँ जोड़ लिया था, फिर हमने 4, तो टोटल यहाँ पे 9 डबल क्रोशे हमने बना लिए। पूरा पैटर्न ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे करना है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में हमने सेम उसी तरीके से ये सिंगल क्रोशे कर लेना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे हम फिर से हम 4 पैटर्न बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। 4 पैटर्न ने हमने बना लिए यहाँ पे। 4, 5 टोटल हमने 5 बना लिए हैं डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे करने के बाद हम फिर से यहाँ पे करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये 5
जो हमने डबल क्रोसे किए थे उसको निकाल के हम पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 में हम यहाँ से ये वाला भी हम जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ ले लेंगे। और हमने फिर उसके बाद लेनी है 1 चैन, फिर हमने करना है यहाँ इसमें हम फिर बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोसे कर लिए हैं ये। ये देखिए इस तरीके से आएगा। 5 डबल क्रोसे करने के बाद हमने फिर यहाँ देखिए, 5 डबल क्रोसे करने के बाद हमने फिर यहाँ जो ये सिंगल क्रोसे है इधर साइड में, वहाँ पे हमने ये जॉइंट कर लेना है। इसको हम यहाँ ले लेंगे इस तरीके से। फिर हमने यहाँ इसमें सीधे 4 डबल क्रोसे फिर कर लेने हैं, 1 2 3 4, ये कर लिए 4 डबल क्रोसे। तो टोटल ये यहाँ पे 9 डबल क्रोसे हो गए, पूरा पैटर्न बन गया है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचवें में हम यहाँ पे सिंगल क्रोसे कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और हमने ये देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ भी हम जोड़ लेंगे 5 में, इधर 1 2 3 4 5 पांचवें में हम इसको यहाँ से भी यहाँ इधर की तरफ ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आएगा ये। देखिए अब हमने इस वाले वी शेप में हमने आधा पैटर्न बनाना है, तो हम 4 डबल क्रोसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोसे बना लिए हैं। 1 डबल क्रोसे हम चैन के ऊपर बनाएंगे, 5 टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोसे बनाएंगे हम ये। और इसको यहाँ से यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, जैसे मैंने इधर किया है यहाँ के सिंगल क्रोसे में यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे इसको। ये देखिए इसमें हम जोड़ लेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हम जॉइंट कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया है, जॉइंट भी हो गया है। यहाँ पे हमने सिलाई भी नहीं करनी है। और हम फिर इस धागे को देखिए, यहाँ भी जॉइंट हो गया है, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से तरीके से जॉइंट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ भी कर लिया है जॉइंट, दोनों साइड कर लिया है मैंने जॉइंट। देखिए मैंने धागा कट कर लिया है ये वाला भी। अब ये सारे धागे मैं छिपा लूँगी सुई की मदद से, उसके बाद मैं आपको इसकी किनारी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने सारे धागे छिपा लिए हैं सुई की मदद से। अब मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी। तो हम ये गले से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये पैटर्न है आधे पैटर्न से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 पांचवें चैन में हम इस तरीके से ये वाला धागा लेंगे, इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पे हमने करना है इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पर हमने 1 1 चैन लेनी है। इस तरीके से हम 1 चैन ले लेंगे। फिर हमने देखिए यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, 1 ले ली 2 3 3 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे वी स्टिच बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए डबल क्रोसे करेंगे हम यहाँ पे, फिर 2 चैन, 1 2, फिर हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोसे। इस तरीके से हम वी स्टिच बना लेते हैं यहाँ पे। फिर हम 5 चैन, 1 2 3 4 5, 5 चैन लेंगे। फिर यहाँ पे हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे इस तरीके से।
यहाँ से यहाँ तक हम वी स्टिच बनाते हैं बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने वी शेप बना लिए, तो यहाँ 1 2 3 4 वी शेप बनाए। अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे 1 2 3 4 5, पांचवी चैन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे कर लेंगे। जैसे सेम यहाँ पर आया था स्टार्टिंग में, वैसे ही यहाँ भी आया है लास्ट में इस तरीके से सेम। देखिए अब हमने करना है यहाँ से सीधे यहाँ पे वाइट वाले में, इसमें हमने 9 सिंगल 9 डबल क्रोशे इस तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मैंने कर लिए 9, 9 डबल क्रोशे हम यहाँ पे करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है इसमें, इस तरीके से ये सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर से हम इस वाइट वाले में फिर से हम 9 करेंगे यहीं पे, जैसे हमने यहाँ पे 9 किए वैसे ही यहाँ पे भी 9 करेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ तक कर लेंगे हम। देखिए मैंने दो तो ये बना लिए थे पैटर्न, तो अब हम यहाँ से यहाँ पे रख के देखेंगे 1 2 इस वाली, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसको डबल क्रोशे। अब हमने दूसरा पैटर्न यहाँ पे बनाना है, जो ये फंदा है इसमें यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से रख के देखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे 1 2, दूसरी चैन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम इसको यहाँ से ये वाले में हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ वाले में यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से, हम बनाते जाते हैं। देखिए किनारी मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने बना ली है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम ये नीचे की तरफ की किनारी बनाएंगे यहाँ नीचे, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। जो ये यहाँ सिंगल क्रोशे हैं यहाँ पर, इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, और जहाँ हमने इसमें ये 9 डबल क्रोशे किए हैं, तो हम यहाँ से भी इसमें 9 डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशे मैंने कर लिए हैं, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशे है, सिंगल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे, और फिर हमने इसमें फिर इसमें इसके नीचे फिर से हम 9 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ सेम जैसे इधर साइड किया था सेम वैसे ही यहाँ भी कर लिया है, और यहाँ गले में भी मैंने सेम वैसे ही कर लिया है जैसे इस तरफ किया था सेम वैसे ही यहाँ भी कर लिया। आप देखिए पीछे की तरफ मैं पहुँच रखी हूँ, तो यहाँ पर हमने करना है, देखिए जैसे हमने जो हमने वी शेप बनाया था उसके अंदर हमने 9 डबल क्रोशे करने हैं इस तरीके से। 2 3 4 5 9 करने के बाद हम यहाँ पे जोड़ेंगे सेम वैसे ही, और इन सभी में 9 9 कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ भी कर लिया है एक एक 1। अब हम यहाँ जहाँ ये वाला जोड़ रखा है सिंगल क्रोशे किया है वहाँ पर हम इसको भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से जोड़ने के बाद ये धागा हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे, और इसमें इस तरीके से गांठ लगा लेंगे ये देखिए, और इसको हम सुई की मदद से ये वाला धागा छिपा लेंगे। तो देखिए
ये देखिए गले का सेप और चारों तरफ मैंने बॉर्डर बना लिया है। देखिए स्वेटर कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं हाथ में भी सेम इसी तरीके से बॉर्डर बना लूँगी। यहाँ हाथ में भी हमने बना लेना है। तो हाथ में मैं बताती हूँ कैसे बनाना है करके आपने। ये देखिए मैंने इधर हाथ में भी ये किनारी बना दी है। तो अब मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि कैसे बनाई है। देखिए ये मैंने नीचे से स्काई ब्लू कलर से स्टार्ट किया है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी। 1, 2, 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद हमने इस तरीके से डबल क्रोशे करना है चैन के ऊपर। चैन के ऊपर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर दूसरी चैन में भी 1 डबल क्रोशे करेंगे। हर चैन में एक एक डबल क्रोशे करेंगे जहाँ पे चैन आएगी। यहाँ पे भी हम एक करेंगे और यहाँ भी हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम 1 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम 1 करेंगे। इधर भी 1 करेंगे वाइट वाले में भी। देखिए अब हमारा ये गैप आया है तो इसमें हम करेंगे 3 डबल क्रोशे। 1, 2, 3। ये गैप आया था यहाँ पे तो हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशे। 2 कर दिए, एक और करूँगी मैं यहाँ पे 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशे करने के बाद हमने करना है यहाँ जो ये फंदा है, ये आया है डबल क्रोशे, इसके अंदर भी हम करेंगे 3 डबल क्रोशे। 1, 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशे ये मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर का आ गया, फिर से हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशे ही करेंगे। 1 और यहाँ पे भी 1। फिर से यहाँ पे आ गया ये बॉक्स आ गया, तो यहाँ पे 3 करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ तक हम कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए जोड़ने के बाद ये वाला कलर लगाना है हमने, तो यहाँ पे ये वाला कलर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए जैसे हमने इधर साइड में बनाया सेम वैसे ही इधर साइड भी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे करना है फर्स्ट चैन में। देखिए पहली चैन में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। इस तरीके से सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 1, 2, 3, 4 चौथी चैन में हम करेंगे डबल क्रोशे करेंगे हम। 1, 5 डबल क्रोशे करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। 5 डबल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4 चौथी चैन में हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ, सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशे करने के बाद 1, 2, 3 तीन चैन हम फिर छोड़ेंगे और चौथी चैन में हमने फिर से 5 डबल क्रोशे करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशे करने के बाद 1, 2, 3, 4 चौथी चैन में हम फिर से जोड़ लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से जोड़ने के बाद हम 1, 2, 3, 4 चौथी चैन में हम फिर से यहाँ डबल क्रोशे करेंगे। 1 इस तरीके से हम सेम पूरे यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। देखिए ये किनारी बन के हो गई है कंप्लीट। ये स्वेटर मैं हाफ ही बना रही हूँ। आप अगर इसको फुल बनाना चाहिए तो यहाँ से आप इसके हाथ बना सकते हैं। तो देखिए ये स्वेटर बन के कम्प्लीट हो गया और आप इसमें बटन अपनी पसंद से लगा सकते हो। तो मैंने अभी ये बटन नहीं लगा रखे हैं, मैं इसमें बाद में बटन लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर ये स्वेटर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।